आज हम हिंदी का नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारी परीक्षाएं अब नज़दीक है, आपको पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है, पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए और पढ़ाई करने के बाद जो परीक्षा दोगे, परीक्षा के बाद आपको जो छुट्टियां लगेगी, तो आप छुट्टियों में क्या क्या करोगे आप मुझे बताइए कि आप अपने जो छुट्टियाँ हैं उसमें आप क्या क्या करने वाले हो, आप बताओ बेटा आप क्या करोगे। अच्छा आप आराम करोगे, ठीक है। अच्छा आप बताओ क्या करोगे आप। अच्छा आपकी शादियों में शादियां ज़्यादा है, ठीक है ठीक है। अच्छा आप बताओ घूमने जाने वाले हो, कहाँ पर? आगरा, अम्मी अब्बू के साथ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। छुट्टियां होती है, शादियां भी होती है उसमें, और घूमना फिरना भी बहुत आसानी के साथ हो जाता है। तो आज जो हम नया पाठ जो शुरू कर रहे हैं ये भी एक यात्रा वर्णन है। पाठ क्रमांक 6, प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा। विदा यात्रा वर्णन है जिसके लेखक डॉक्टर इसरार गुनेश जी, इनका मैं परिचय करा देता हूँ। इनका जन्म 1949 में बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ। आप जिला एवं सत्र न्यायालय में वकील हैं और 1965 से विविध पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य अभी भी कर रहे हैं। आप कई शोध पत्रिकाओं के संपादक भी हैं। इन्होंने कई कुर्तियाँ, कई किताबें, कई पुस्तकें लिखे हैं जिसमें तस्वुरात की दुनिया है, इस्लाम कब क्यों और कैसे, योग से नमाज तक आदि कई पुस्तकें लिखी हैं। प्रस्तुत जो गद्य है, जो पाठ है, इन्होंने लिखा है, एक यात्रा वर्णन है। यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक उत्तराखंड के अनेक ज़िलों और वहाँ की सांस्कृतिक वैभव, वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य और वहाँ के लोगों की जो जीवन पद्धति है उसका वर्णन इसमें किया है।